लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, मगर इस लिस्ट में सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा किस तरह होगा ये फाइनल नहीं हो पाया है। तो वहीं सुभाषपा और निषाद पार्टी की सीटों पर भी पेच फंसा ही हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। लिस्ट जारी होने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सीटों को लेकर बातचीत की, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले ही मिलकर सीटों के मुद्दे पर बातचीत कर चुके हैं। हालांकि अभी भी सीटों की संख्या को लेकर पेच फंसा ही हुआ है। दोनों दल यूपी में कम से कम दो दो सीटें चाहते हैं, मगर सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बीजेपी की ओर से फिलहाल दोनों दलों को सिर्फ एक एक सीट ऑफर की गई है। दरअसल बीजेपी की पहली सूची में सलेमपुर, कुशीनगर, चंदौली, लालगंज, डुमरियागंज, जौनपुर समेत पूर्वांचल की कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिन पर सुभाषपा व निषाद पार्टी ने पहले से ही अपनी दावेदारी कर रखी थी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ की घोसी, देवरिया की सलेमपुर, बलिया के अलावा चंदौली सीट पर दावेदारी कर रखी थी, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी भदोई, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में से कोई दो सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपनी पहली ही सूची में इन दोनों दलों की दावेदारी वाली कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में अब राजभर और निषाद चाहते हैं कि उनकी दावेदारी वाली सीटों में से जो बची हैं वही उनको मिल जाएं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर, सुल्तानपुर, बलिया समेत कई ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कई बीजेपी नेता भी जुटे हुए हैं। इसे देखते हुए ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों ही जल्द से जल्द इन सीटों पर अपनी दावेदारी फिक्स कर लेना चाहते हैं। इसीलिए दोनों दलों के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अलग अलग मुलाकात कर अपनी बात रखी है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट के बाद खबरें ये निकल कर सामने आ रही हैं कि फिलहाल दोनों दलों के नेताओं को एक एक सीट देने की पेशकश की गई, जिन पर बात नहीं बनी। सूत्रों का कहना है कि सुभाषपा को फिलहाल सिर्फ मऊ की घोसी सीट देने की बात कही गई है, लेकिन राजभर इसके लिए तैयार नहीं। उन्होंने घोसी के अलावा बलिया या गाजीपुर से भी एक सीट मांगी है, जबकि बीजेपी ने राजभर को एक सीट यूपी और एक सीट बिहार में ऑफर करी है। अब यूपी की गाजीपुर एक ऐसी सीट है जिस पर सुभाषपा व निषाद पार्टी दोनों की ही दावेदारी है। हालांकि सुभाषपा की दावेदारी को अधिक मजबूत माना जाता है, जबकि निषाद पार्टी की सबसे पसंदीदा सीट भदोई है। सूत्रों के मुताबिक शाह से मुलाकात के दौरान भी राजभर ने गाजीपुर सीट देने की बात रखी, लेकिन इस मांग को टाल दिया गया। उधर सूत्रों का ये भी कहना है कि गाजीपुर सीट के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी अड़े हुए हैं, इसलिए उस सीट पर मामला अभी तय नहीं हुआ है और पहली लिस्ट में इस सीट से कौन उतरेगा इसकी घोषणा नहीं की गई। वहीं राजभर के बाद मनोज सिन्हा ने भी अमित शाह के साथ मुलाकात कर अपनी बात रखी। कहा जा रहा है कि गुजरात सीट से भाजपा सिन्हा के पुत्र अभिनव सिन्हा को मैदान में उतार सकती है, यानी गाजीपुर सीट, साथ ही सुभाषपा और निषाद पार्टी को लेकर सीटों का बंटवारा, इसके लिए फिलहाल मंथनों का कई दौर चलेगा और देखते हैं कि आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।